हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में तीन चीज़ें आते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, फिर सेकंड जो है रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी, एंड थर्ड जो है रेगुलेशन बाय एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि हार्ट से आता है। ठीक है, हम आज इस वीडियो में तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। ये रेगुलेशन भाई हाइपोथैलेमस किसका रेगुलेशन भाई, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना, कम या ज़्यादा करना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रेगुलेशन बाय रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या है भाई, ये एक ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, देखो इस तरह। ठीक है, ब्रेन के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह होता है, इसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, आप सुने ही होंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आगे का एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पीछे का पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, अब इस रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है। देखो, अगर ये चार चीज़ें क्या है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, फिर बॉडी वाटर, अगर ये सब कम हो रहे हों। ठीक है, कौन कौन, अगर हमारी बॉडी में बॉडी वाटर कम हो रहा हो, या फिर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा हो, या फिर बीपी कम हो रहा हो, या फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा हो, फिर ये जाता है सिग्नल कहाँ पे, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, फिर अगर, या फिर इनके अलावा, या फिर डायूरेसिस, या फिर ब्लड ऑस्मोलैरिटी अगर ये बढ़ जाए, ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, तो फिर भी ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। किसको स्टिमुलेट, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को सिग्नल छोड़ते हैं। ठीक है, डायूरेसिस और फिर ब्लड ऑस्मोलैरिटी। डायूरेसिस यानी कि यूरिन में जो है डाइल्यूट ज़्यादा होना, यानी कि पानी ज़्यादा होना। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन ज़्यादा होता है, और फिर ब्लड ऑस्मोलैरिटी भी अगर ज़्यादा होने लगा, तो फिर ये जाता है सिग्नल हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो सिग्नल देता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। कहाँ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एक हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि डायूरेटिक होने नहीं देता, हमारे यूरिन को डायूरेटिक होने नहीं देता। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसे या फिर दूसरा नाम जो है वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, और फिर अब एडीएच हार्मोन रिलीज होने के बाद अब ये सारे फैक्टर्स जो है नॉर्मल हो जाते हैं, इसकी वजह से, एडीएच की वजह से, या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर जो कि बीपी है, और फिर डीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये सब कुछ अगर लो हो गए। ठीक है, अगर बॉडी वाटर हमें लो हो गया हो, तो ये सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच निकलवाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, और उससे ये सारे फैक्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो गए तो बढ़ जाते हैं, और फिर ये डायूरेसिस और ब्लड ऑस्मोलैरिटी को कम करता है। ठीक है, किसको, डायूरेसिस और ब्लड ऑस्मोलैरिटी को। ठीक है, डायूरेसिस और फिर ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को ये जो है कम करवाता है। ठीक है, अब ये हो गया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस। अब हम आते हैं दूसरे पे जो कि रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स ऑफ किडनी। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैंने एक नोट लिख दिया है यहाँ पे, जो कि इफ़ एडीएच सिक्रेशन लो, यानी कि अगर एडीएच सिक्रेशन हमारे बॉडी में कम हो गया, तो हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है फॉल्स डायबिटीज़ है। ठीक है, ये फॉल्स डायबिटीज़ है, ट्रू डायबिटीज़ कौन सा है, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस ये जो है ट्रू डायबिटीज़ है। ठीक है, ट्रू डायबिटीज़। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से होता है, किसके लो होने की वजह से होता है, वो है एडीएच सिक्रीशन। ठीक है, अब हम आते हैं अपना सेकेंड वन पे। तो सेकेंड वन है रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स। अब ये जेजी सेल्स क्या है भाई, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, जो कि किडनी के हैं, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, अगर हम अब ये रेगुलेशन बाय जेजी सेल्स कैसे रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को, वो हम अब देखेंगे। ठीक है, इसमें एक मैकेनिज्म आता है, ठीक है, जो कि रास मैकेनिज्म कहते हैं हम। ठीक है, रास मैकेनिज्म। अब रास मैकेनिज्म यानी कि RAAS, रास मैकेनिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेनिन, रेनिन कौन सा, RENIN, डबल एन आई एन नहीं, ठीक है, डबल एन नहीं है वो, RENIN, वो स्टमक में कर्डलिंग का काम करता है, वो रेनिन नहीं है। ठीक है, रेनिन, एन 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 जी ओ, एन जी ओ टेंसिन। ठीक है, एन जी ओ टेंसिन, और फिर अल्डोस्टेरॉन।
हाइड्रोपिरोन, और फिर सिस्टम रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है रास मैकेनिज्म में, देखो देखो, इफ ब्लड वॉल्यूम जी एफ आर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि किडनी में फिल्टर होने का होते रहता है, और फिर ब्लड आयोन्स, और फिर बीपी जो कि ब्लड प्रेशर है, अगर ये सब सारे कम हो रहे हों, ठीक है, तो फिर ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, स्टिमुलेट जे जी सेल्स, ठीक है, जे जी सेल्स, ठीक है, स्टिमुलेट जे जी सेल्स। फिर जे जी सेल्स क्या रिलीज करता है, रिलीज करता है रेनिन, ठीक है, या फिर एंजियोटेंसिनेज, ठीक है, एंजियोटेंसिनेज, ठीक है, जे जी सेल्स। ये जे जी सेल्स मैंने कहा था जेक्स्ट्रा ग्लोमेरल सेल्स हैं, ये किडनी में होते हैं, ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन के पार्ट में होते हैं, ठीक है, जो कि किडनी को रेगुलेट करते हैं। अब जे जी सेल्स रेनिन एंजियोटेंसिनेज रिलीज तो करता है, अब ये रिलीज करने के बाद अब रास का मैकेनिज्म अब स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म में देखो, रेनिन एक केमिकल है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लीवर है, ठीक है, लीवर, ठीक है, राइट लोब लेफ्ट लोब लीवर, ठीक है। अब लीवर से जो है एक केमिकल आता है जो कि ब्लड प्रोटीन होता है, एनजियो टेंसिनोजन, ठीक है, टेंसिनोजन, जहाँ पे ओजन यानी कि नोजन, ओजन ऐसा OGEN आए, तो वहाँ समझो ये एक इनएक्टिव ब्लड प्रोटीन है, ठीक है, जहाँ कहीं पे अगर ओजन आए तो समझो वो इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव ब्लड प्रोटीन। अब ये रेनिन क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, कौन, रेनिन ब्रेक करता है, और फिर एनजीओ टेंसिन वन में कन्वर्ट करता है, जो कि पार्शियल एक्टिव होता है, ठीक है, पार्शियल एक्टिव होता है। फिर बाद में हमारे लंग्स से, ठीक है, हमारे लंग्स से एक एंजाइम रिलीज होता है, जो कि देखो ये समझो हमारी लंग्स है, ठीक है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है एक एंजाइम रिलीज होता है, जो कि इसको और एक बार ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन क्या रिलीज करता है कि इसे ब्रेक डाउन करता है, वो है ACE, ठीक है, ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एनजियो टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये एनजियो टेंसिन वन को ब्रेक डाउन करके एनजियो टेंसिन, ठीक है, एनजियो टेंसिन टू में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एनजियो टेंसिन टू में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि फुल्ली एक्टिव होता है, यानी कि कंप्लीट एक्टिव होता है, ठीक है। अब ये हो गया रास का मैकेनिज्म। अब इस रास मैकेनिज्म में लास्ट प्रोडक्ट एनजियो टेंसिन टू है, ये रेगुलेशन कैसे करता है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन बाय जे जी सेल्स, उसमें रास मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, अगर ब्लड वॉल्यूम जी एफ आर ब्लड आयंस या फिर ब्लड प्रेशर कम होगा तो जे जी सेल को स्टिमुलेट करके रेनिन को रिलीज करवाते हैं, ठीक है, रेनिन जो कि एक केमिकल है वो रास मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आता है जो कि इनएक्टिव ब्लड प्रोटीन होता है, उसे रेनिन जो है ब्रेक डाउन करके एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है, जो कि पार्शियल एक्टिव होता है। फिर बाद में हमारे लंग्स से एक एंजाइम आता है जो कि ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, वो ब्रेक डाउन करके एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन टू जो है हमारे बॉडी के अंदर ये सारे फैक्टर्स जो कम हो रहे थे इनको नॉर्मल बनाता है, ठीक है, बढ़ाता है, और फिर हमारे बॉडी में वाटर का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, फिर हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करवाता है, ठीक है, और फिर ये एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ये हमारे GFR को बढ़ाता है, GFR यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, उसको बढ़ाता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो मैंने कहा था एंजियोटेंसिन टू इन सारे फैक्टर्स को नॉर्मल करता है, ये खुद जाके नहीं करता, ठीक है, ये फिर क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं किडनी के ऊपर उनको जाके स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से अल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, ठीक है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन को, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एंजियोटेंसिन टू जो है स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है, और वहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि अल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। अब ये क्या करते हैं, अब मैंने जो पीछे अभी बताया था जो फैक्टर्स कम पड़ रहे थे, यानी कि उनका उनका कम होना इस ये हार्मोन जो है उनको नॉर्मल कर देता है। कौन कौन से फैक्टर, देखो वो फैक्टर्स हैं आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, और फिर GFR, ठीक है, भी मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन या फिर ब्लड प्रेशर या फिर हमारे ब्लड का वॉल्यूम और फिर
GFR, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को बढ़ाता है यानी कि नॉर्मल कर देता है। और फिर ये एंजियोटेंसिन टू हमारी वाटर बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयोन्स ज़्यादा करवाता है, ठीक है। और फिर ये पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। इससे क्या होता है, GFR इंक्रीज होता है, ठीक है, GFR इंक्रीज होता है। तो ये सब कुछ हो गया रास मैकेनिज्म या फिर JG सेल्स का रेगुलेशन, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा, जो कि थर्ड रेगुलेशन है, एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर, ANF, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको वैसो कंस्ट्रिक्टर तो समझ में आया कि नहीं, वैसो कंस्ट्रिक्टर यानी कि वैसो यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है, वैसो यानी कि वेसल्स, कंस्ट्रिक्ट यानी कि कंस्ट्रिक्ट करता है, वैसो कंस्ट्रिक्ट वैसल वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने से BP बढ़ता है, ठीक है, और BP बढ़ने से हमारा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, ठीक है। अब जो कि मैंने अभी बताया था थर्ड वन, वो है रेगुलेशन बाय एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर ANF। ये कहाँ से आता है, फ्रॉम कहाँ से, वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट, ठीक है, ये वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट से आता है, कौन, ANF, एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर। अब ये कैसे रेगुलेट करता है, देखो ये जो है रास मैकेनिज्म के अपोजिट है, ठीक है, रास मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ा था उसका अपोजिट है, ठीक है। रास मैकेनिज्म हमारे BP को बढ़ाता था, GFR को बढ़ाता था, आयोनिक कंसंट्रेशन को बढ़ाता था, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता था, लेकिन एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर इसका रास मैकेनिज्म का एंटागोनिस्ट है, ठीक है, रास एंटागोनिस्ट, रास मैकेनिज्म का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। देखो अगर रास अगर हाइपर हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, इफ रास हाइपर, देन ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। अभी मैंने बोला था वैसे कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो BP को भी बढ़ाएगा, यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, तो अगर हाइपर हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, तो BP फुल हाई हो जाएगा। तो ये क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट 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 किसको, वाल ऑफ हार्ट, क्योंकि अगर BP बढ़ेगा तो हार्ट तो धक 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 करेगा ना, ठीक है, तो वहाँ से वाल ऑफ एट्रिया को स्टिमुलेट करता है, वाल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट को स्टिमुलेट करता है, अगर रास हाइपर हो गया तो इंक्रीज BP होने की वजह से। फिर हार्ट क्या करता है, इस ANF को रिलीज़ करता है, जो कि एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर है, ठीक है, ANF को रिलीज़ करवाता है। फिर ANF क्या करवाता है, देखो वैसो डायलेशन करवाता है, यानी कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं, डायलेट करता है, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होता है। फिर रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है, फिर डायूरेसिस करवाता है, यानी कि डायलेशन ऑफ यूरिन करवाता है, कौन, एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर, जो कि ANF है। अब ये सब कुछ हो गया रास मैकेनिज्म, और फिर रेगुलेशन बाय किडनी बाय तीन फैक्टर, कौन कौन से, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन बाय JG सेल्स ऑफ किडनी, रेगुलेशन बाय एट्रियल नेट्रियुरेटिक फैक्टर, जो कि ANF है। कहाँ से आते हैं, फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रिया, ठीक है, याद रखना।